उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2019 जो है 15 दिसंबर 2019 को हुआ था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर वन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, समय 2 घंटे दिए जाते हैं और 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ यह क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन नंबर वन, द न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर IMF, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ये भी करेंट है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी उस समय करेक्ट करंट अफेयर से ही क्वेश्चन था, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सब के जो क्वेश्चन है वो आएंगे तो हम लोग देखेंगे। नोबेल प्राइज़ है, क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जिस साल नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और जिस साल एग्जाम होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा गया था, सही आंसर ऑप्शन बी इसका है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, सो करेक्ट आंसर इज मैसूरू, इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशंस न्यूट्रलिटी बाय द ईयर 2030 तक लक्ष्य रखा गया है, कि भारत द्वारा भूमि क्षरण तट अस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है तो 2030। चंद्रयान दो के बारे में ये पूछा गया था कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, अभी हमें चंद्रयान थर्ड जो है जिसको हमने लॉन्च कर दिया है सक्सेसफुली, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज लार्जेस्ट चरखा इज आर्टू, चरखा से रिलेटेड ये उस समय पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन सही इसमें है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो साइंस का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड, कॉकरोच जो है इसका जो ब्लड है वो वाइट होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मैक्स कॉम्बिनेशन विथ सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ पल्सेस, इसका सही आंसर है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ों के साथ होता है, तो जो दाल की पौधे होती हैं उनके साथ, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, इनके साथ जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं, उनके साथ ये होता है रबी क्रॉप्स। व्हाट हैपेंस व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल्स, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उनमें से क्या घटती है, तो इट्स रेडियस इंक्रीजेस, उसकी जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, रेयोन जो है ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट अ प्रोटीन, तो कॉटन जो है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जबकि हेयर, स्पाइडर सिल्क और हुफ जो है इसमें प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। तो यदि पूछा जाए कि क्या केस या बाल में प्रोटीन है, तो हाँ ये हमें समझना होगा। जो स्पाइडर सिल्क है क्या उसमें प्रोटीन है, तो बिल्कुल है, खुर में है, जैसे कि जो मवेशियों के खुर जो होते हैं, भैंस के हो गए, गाय के हो गए, बकरियों के हो गए, घोड़े के खुर होते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, लेकिन कॉटन में प्रोटीन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ लिक्विड रिमेन हॉट और कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ थर्मोप्लास्ट बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों प्रोसेस के द्वारा जो है थर्मोफ्लास्क में जो होते हैं, कोई भी चीज़ कोल्ड या हॉट रहता है, कोल्ड है तो कोल्ड ही रहेगा, हॉट है तो हॉट ही रहेगा, इसमें तीनों जो है प्रिंसिपल काम करती हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लांड्स इन ह्यूमन बॉडी एक्स बोथ एज अ इंडोक्राइन ग्लांड्स एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लांड, तो पैनक्रियाज जो है हमारे शरीर में वो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियों के तौर पर काम करता है, अग्नाशय, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल कंटेन्स कैल्शियम, जिप्सम जो है इसमें कैल्शियम विद्यमान रहता है। नॉट करेक्टली मैस्ट पूछा गया है कि सिल्वर ब्रोमाइड से जो है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, जबकि सिल्वर आयोडाइड से आर्टिफिशियल रेन होती है, लिथियम बाई कार्बोनेट से ट्रीटमेंट ऑफ ये जो रिह्यूमेटिज्म जो है गठिया का उपचार जो है वो लिथियम बाइकार्बोनेट से होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एंट एसिड के तौर पर हम इसे देखते हैं, प्रति अमल जिसको कहते हैं, लेकिन यदि हम सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में जाने तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये फोटोग्राफी में उपयोग होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा जो तत्व है वो यूज होता है, तो वो है सिल्वर ब्रोमाइड। वो कौन सा पदार्थ है, वो सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि फोटोग्राफी में यूज होता है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है। तुलसी प्लांट हैज़ मेडिसिनल वैल्यूज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्लोइंग, इसमें जो है फिनॉल एंड फ्लेवोनाइड होते हैं, फ्लेवोनाइड्स और फिनॉल के चलते तुलसी जो है एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पर हम उसे देखते हैं। तुलसी के पौधों का औषधि महत्व निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसमें फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड होता है, इसलिए। व्हाट इज ट्रू अबाउट इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया है, तो प्रोड्यूसर आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर होते हैं जैसे प्लांट्स,
ये प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा होंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। सो ये इसके स्टेटमेंट में ट्रू है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, विथ रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब सुपोषण होता है, जैसे जो तालाब होता है वो खड़ा होता है लेकिन मतलब रुका होता है, उसके स्थिर पानी होते हैं, लेकिन जब बरसात के मौसम में क्या है कि धान के खेतों में बहुत सारे हम लोगों ने फर्टिलाइजर की छिड़काव की और उस समय पानी क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है बरसात के कारण, तो बरसात का पानी जब उन फर्टिलाइजर को साथ लेकर जब ये जो तालाब का पानी है उसमें मिक्स कर जाता है, तो अब जो तालाब का पानी है वो सुपोषण हो जाता है, अर्थात कि यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो जाता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है, जिसके चलते तालाब में क्या है कि बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं जो कि जो जलीय जीव हैं उनके लिए वो खतरनाक होता है। हमने देखा होगा कि जलकोबी वगैरह जो है या बहुत सारे घास जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, वो इसी का कारण है, यूट्रोफिकेशन का कारण है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। यस, अभी हमने देखा कि कैसे उसका एनरिचमेंट होगा। इट डिप्लेट्स डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। यस, ये ऑक्सीजन की जो उसमें डिसॉल्वनेस है उसको कम कर देता है, जिसके चलते कि उसमें जो जीव जंतु रहते हैं जल में, जो जलीय जीव हैं उनको नुकसान होता है। दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, द इन्वायरमेंट मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटी इज कॉल्ड, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नॉट ट्रू पूछा गया है, स्पेसिस डाइवर्सिटी इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, नहीं ये उल्टा दे दिया गया है। देखिए ये मान लेते हैं कि अपना ये जो है इक्वेटर है जिसका कि वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ पर जो है इक्वेटर के पास वर्षा बन पाए जाएंगे, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी स्पेसीज की खूब होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पोल के तरफ बढ़ेंगे, ये अर्थ का जो नॉर्थ पार्ट है, बढ़ेंगे हमारा जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। पोल पर एकदम वहाँ पर बर्फ है, 6 महीने दिन तो 6 महीने रात होते हैं, जिसके चलते यहाँ पर डाइवर्सिटी ना के बराबर होती है। तो जैसे जैसे हम पोल के तरफ जाएंगे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए अपना आंसर जो है ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द वेल नॉन एग्जाम्पल ऑफ बायो इंडिकेटर, लाइकेन जो है ये बायो इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है, नॉट करेक्टली मैच जो है, पास्चराइजेशन जो है ये टी में नहीं होता है, ये मिल्क के लिए है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बिसाइड, सोडियम क्लोरेट जो है ये एक तरह का हर्बिसाइड है, द गैस विच इज इमिटेड इन द पैडी फील्ड्स, मीथेन जो है निकलता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसके चलते क्या होता है कि अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी स्थापना 2015 के जो COP21 है जो पेरिस में हुआ था उसके द्वारा होती है, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। सोडियम क्लोरेट के बारे में हमने देखा कि यह खरपतवारों के घनत्व को कम करने और वांछनीय प्रजातियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और जंगली भूमि पारिस्थितिकी प्रणाली में शाकनाशी का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू रन 100% सोलर एनर्जी, तो दीव जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सोलर एनर्जी पर सांची जो है वो सिटी के तौर पर अब आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश का जो सांची शहर है वो सोलर सिटी के तौर पर जाना जाता है, अब फर्स्ट सोलर सिटी इन द वर्ल्ड बनने की राह पर वो है। क्वेश्चन नंबर 30, एसर्शन रीजन से क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट। यस, बिल्कुल ये सही है। द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और आर एक्सप्लेन भी कर रहा है ए को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड जो है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, ये तीनों होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सजाना है इसे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है ये 2002 में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है, प्रोजेक्ट इलेवेंट जो है 1992 में आता है, तो जब इसको हम लोग क्रोनोलॉजिकली रखेंगे तो अपना सही आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अंडर द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम इट इज़ अ लीगली मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ इवेंट्स विद इन हाउ मेनी डेज इन इंडिया, सो 21 दिन के अंदर में ये करना चाहिए। कहा गया है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन करना
या कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है तो 21 दिन जन्म के 21 दिन से पहले या मृत्यु के 21 दिन के अंदर में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ये चीज़ हमें कराना जरूरी होता है, तो 21 दिन है इसमें। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, 2002 में आया था ये। क्वेश्चन नंबर 34, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन इंक्लूड नहीं है, तो HIV टेस्ट इससे रिलेटेड नहीं है। इन्वायरमेंटल कुजेंट कर्व जो है, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा GDP और इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में बात करता है, ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा, ये जो है इन्वर्टेड यू की तरह दिखेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। यस, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है और रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा, इसलिए सही आंसर अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें, मैं एनालिसिस भी हम लोग करेंगे अलग वीडियो में, इन्वायरमेंट के लगभग 15 से लेकर 22 क्वेश्चन के बीच में पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट के, और जियोग्राफी के तो अलग क्वेश्चन हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोगों ने 32 देखा ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जियोग्राफी के तो अलग जो है स्पेशल जियोग्राफी के टॉपिक्स हैं वो तो हैं, और जियोग्राफी से भी क्वेश्चन हम लोग देखें तो एवरेज जो है 20 क्वेश्चन प्लस जो है हमें जियोग्राफी से देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, इसे हमें बेहतर तरीके से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 37, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड बुक ये पहल जो है ये सही आंसर हो जाएगा, करेंट अफेयर से रिलेटेड था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तीन स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है कि 75% रूरल एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर ये करता है, स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वीमेन एंड चिल्ड्रेन, ये भी सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 3 में कहा गया है कि जो इल्डेस्ट वीमेन है ऑफ एवर 18 ईयर इज विल बी हेड ऑफ हाउसहोल्ड, तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 2013 में आया था उससे रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से, इसका उद्देश्य कवरेज कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, पात्रता क्या है इसकी, और इसमें प्रावधान ये है कि प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम खाद्यान्न देने की बात कही गई है, जिसमें कि 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 1 रुपये प्रति किलो अनाज के हिसाब से, जो मोटे अनाज हैं उनको देना है। क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू द मेजर ऑफ टेनेंसी रिफॉर्म इन इंडिया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कॉन्फॉर्मेंट ऑफ ओनरशिप ऑफ टेनेंट्स, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, पब्लिक सेक्टर इन इंडिया के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, ये स्टेटमेंट सही है, टू बिल्ड सोशल एंड इकोनॉमिक ओवर हेड कैपिटल, ये भी सही है, टू इंश्योर बैलेंस रीजनल एंड सेक्टरल ग्रोथ, ये भी स्टेटमेंट सही है, और टू परस्यू इगलिट्रियन गोल्स, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है, चारों स्टेटमेंट इसके सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वेज कैनल के आसपास जो लेक्स हैं उनको यहां पर नॉर्थ टू साउथ हमें अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इन सारे लेक को हम लोग मैप पर भी अभी देख लेंगे। टेलीग्राफिक प्लेटू जो है ये नॉर्थ अटलांटिक रीज में आता है, नॉर्थ अटलांटिक में ये पाया जाता है। सबसे पहला जो था लेक मंजाला, लेक मंजाला जो है ये जो पोर्शन है ये लेक मंजाला का है, ये लेक मंजाला ये मेडिट्रियन सी है, और ये जो डेल्टा हमें दिख रहा है ये नाइल डेल्टा है, और नाइल डेल्टा का जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो इसका माउथ है यहाँ पर हमें लेक मंजाला दिखता है। अदर जो है ये डेल्टा है रिवर जहाँ पर गिरे मंजाला हमें दिख रहा है, उसके हिसाब से फिर तिमासा लेक है, फिर लार्ज बीटर लेक है, और सबसे नीचे लिटिल बीटर लेक है। तो यहाँ पर हम क्रोनोलॉजी इसका देख लेंगे, लेक तिमासा, उसके बाद ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर लेक, तो हमने इसको मैप पर भी देख लिया, लार्ज और लिटिल ये हम लोग देख लिए, और टेलीग्राफ प्लेटू जो है ये यहां पर हमें देखने को मिलेगा इंग्लैंड के जस्ट लेफ्ट साइड में, ये ब्रिटेन है तो ब्रिटेन के लेफ्ट साइड में हमें ये टेलीग्राफिक या टेलीग्राफ प्लेटू दिखेगा हमें मैप पर, तो नॉर्थ अटलांटिक रीज में आ जाएगा। मैप करना है, ये मैच करना है हमें डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, विली विली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है,
तैफू जो है ये जापान है, बागियो जो है फिलीपींस से है, और हरिकेन यूएसए से रिलेटेड है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ फ्लोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। तो सोची जो है, सोची रशिया में ही है, रशिया का जो सोची है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर नहीं है, जबकि कजान, ओमंस और चित्ता जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेल पर है। ट्रांस साइबेरियन रेल पर भी वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पूछा गया है। विंड जो है, मिंस्ट्रल जो है ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं बहती है, मिंस्ट्रल जो है ये यूरोप की एक विंड्स है, तो इसके बारे में हमें जानना था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैच करना है, एक तरफ कोल फील्ड है और एक तरफ उसके लोकेशन है। तालचेर जो है ये महानदी बेसिन में है उड़ीसा में, करनपुर जो है ये दामोदर वैली में है, सिंगरौली जो है ये सोन वैली में हो जाएगा, ये सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, और लेकिन मेनली जो है सिंगरौली वो मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और सिंगरैनी जो है ये तमिलनाडु में है, सॉरी तमिलनाडु कह रहे हैं, ये सिंगरैनी जो है ये कर्नाटका में है, और ये गोदावरी वैली में हो जाएगा। इस तरह से मैच जब हम करेंगे इसका, तो सही आंसर अपना ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों यहाँ पर क्लियर कर लेना है, ये जो सिंगरौली है ये मध्य प्रदेश में है, और ये जो सिंगरैनी है ये कर्नाटक में है। कोलफील्ड माइंस है ये। गुरला माउंटेन के बारे में पूछा गया था, नमचा बरवा के बारे में पूछा गया था। एक्चुअली नमचा बरवा जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है, वो तिब्बत के बॉर्डर पर है, इसलिए नमचा बरवा जो है वो चाइना में ही है, और गुरला मंधाता जो है ये पीक जो है चाइना में ही है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। तो नमचा बरवा भी इसका सही आंसर है, लेकिन इसका सही फाइनल आंसर गुरला मंधाता दिया गया है, तो हमें इसका सही आंसर गुरला मंधाता करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर गुरला मंधाता हो जाएगा, जबकि कमेंट और नंगा पर्वत जो है ये इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 48। द विंटर रेन कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टरबेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब वेस्टर्न, ये अपना इंडिया का जो मैप है ये जो है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो ये वाला पोर्शन है जहां पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो कुछ पार्ट है, यहां पर विंटर रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के थ्रू। तो ये पोर्शन जो है वेस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। तो जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ इधर आएगा मध्य प्रदेश, ये इधर कुछ जाएगा, कुछ मध्य प्रदेश जाएगा, कुछ उत्तर प्रदेश जाएगा, बिहार होते होते ईस्ट तक आते आते वेस्ट बंगाल तक, ये क्या होगा? डिक्रीजेस होगा, कम होगा, और यहां पर सबसे ज्यादा विंटर रेनफॉल होगा। तो यही यहां पर पूछा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन फ्रेश वाटर बट सैलिन वाटर फ्लोइंग एट द लोअर पार्ट। लूनी रिवर जो है उसके जो निचले पोर्शन में जो है वो सैलाइन वाटर हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। मोरी बंद डेल्टा, मोरी बंद डेल्टा इज सब डिविजन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग डेल्टा। तो ये बंगाल डेल्टा का सही आंसर है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मोरी बंद डेल्टा जो है किसका उप विभाग है? तो ये बंगाल डेल्टा का है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सुगर केन एंड सुगर प्रोडक्शन इन यूपी इज मोर देन महाराष्ट्र बट प्रोडक्टिविटी इज लेस। यस, ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। प्रोडक्टिविटी जो है महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की कम है। रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द सुगर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र आर इन कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये महाराष्ट्र के बारे में केवल इंडिविजुअली कहा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर का कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52। नॉट करेक्टली मैच्ड शो जारवी जो है और टाइप ऑफ टैक्स नहीं है ये। जारवी की हम यदि बात करें तो जारवी एक जो है ट्रेडिशनल यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट है इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न एशिया। ये मेडिवल टाइम में जारवी चलता था। तो जारवी एक टैक्स नहीं है, ये एक लैंड मेजरमेंट यूनिट है, ये यहां पर जानना था। क्वेश्चन नंबर 53। मैच करना है, मुल्ला दाऊद जो है ये सही आंसर है, चंदायन से रिलेटेड है। दामोदर कवि जो है ये पद्मावती कथा लिखते हैं। सोमनाथ जो है ये राग विवोद लिखते हैं, और अमीर खुसरो ये आशिक लिखते हैं, या आशिका जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे आशिका। सो इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर जाएगा अपना। हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन पेट्रोनेज ऑफ तानसेन बिफोर अकबर। तो राजा रामचंद्र सिंह ऑफ भाटा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह के पास पहले तानसेन जो थे वो वहां पर
एक तरह के संगीतकार थे इनके दरबार में। क्वेश्चन नंबर 55, रूलिंग डायनेस्टी और कैपिटल हमें यहाँ पर मैच करना है। पल्लव जो है इनकी कैपिटल जो थी वो कांची थी और पांड्या की कैपिटल मदुरा थी, यादव देवगिरी थे और काकाटिया वारांगल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, अरेंज करना है हमें क्रोनोलॉजी इसमें। राविया दुरानी टूम्स औरंगाबाद, सिरसा टूम्स सासाराम, हुमायूं टूम्स दिल्ली, अताला मॉस्क जौनपुर। तो सबसे पहले अताला मॉस्क जौनपुर बनेगा, ये तुगलक टाइम पीरियड में बना था। सिरसा जो टूम्ब है वो सिरसा के मृत्यु के बाद ये 1545 में ये बनेगा। हुमायूं टूम्स जो है हुमायूं के मृत्यु के बाद बनेगा, जो कि ऑटोमेटिक्स हुमायूं जो है सिरसा के बाद मरे थे, तो ये लगभग 1560 के बाद इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। और राबिया दुरानी टूम्ब जो औरंगाबाद है ये औरंगजेब के द्वारा बनाया जाता है। सो इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। With reference to the Mansabdari system, which of the following statement is our correct? Mansabdari system से related questions हैं, दो statement दिए गए हैं और हमें correct यहाँ पर find करना है। Mansabdari system was the official nobility of the state started by Akbar. Yes, ये सही है। Mansabdari was a hereditary नहीं, बिल्कुल hereditary नहीं था, तो केवल statement एक ही सही है इसमें। Treaty of Allahabad जो है ये 1765 में होती है। दो treaty होती है अलाहाबाद में, एक 12 अगस्त को होती है और एक 16 अगस्त को होती है। Treaty of Mangalore जो है 1784 में होती है। ट्रीटी ऑफ सालाबाई जो है 1782 में होती है और ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 में होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका मैच करेगा। अरेंज करना है हमें, यहाँ भी क्रोनोलॉजी करना है। पूना पैक्ट जो है ये 1932 में होती है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में होती है। गांधी इरविन एग्रीमेंट जो है ये 5 मार्च 1931 को होती है। क्रिप्स मिशन जो स्टैनफोर्ड क्रिप्स है ये 1942 में आता है। और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है ये 1930 से स्टार्ट होती है। तो क्रोनोलॉजी यदि हम करें तो सबसे पहला जो घटना है वो सिविल डिसोबीडियंट हो जाएगा 1930 से। तो ये सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1905 विथ विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। यस, बंगाल का उसने बाउंड्री रीडिजाइन किया था जिसके चलते कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। अ न्यू प्रोविंस वाज कंटिन्यूड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। अ न्यू प्रोविंस, यस, एक इसने दो डिवीजन किया था बंगाल को। पहले जो एक बंगाल था एक को बंगाल ही रखा और एक को ईस्ट बंगाल कहा एंड असम उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये दो डिवीजन था, दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा इस अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो। क्वेश्चन नंबर 61, CR formula to remove the political deadlock between Muslim League and Indian National Congress, ये राजा गोपालाचारी ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा ने इसे लिखा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोनों जो है प्रोविजन हमें इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। इसी क्वेश्चन को कई बार बदलकर भी दिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण किसमें है, तो डीपीएसपी में भी है, डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द पंचायत, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हमें फाइंड करना है 50% सीट शैल बी रिजर्व फॉर द वीमेन ऑफ एससी एसटी कैटेगरी। नहीं, 33% है। कुछ स्टेट हैं जहां पर कि 50% किया गया है लेकिन ऑल नहीं किया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है उसमें 33% रिजर्वेशन की बात कही गई है। तो यह स्टेटमेंट गलत है। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन लिविंग इन द विलेज, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। तो ये स्टेटमेंट सही है, केवल यहां पर स्टेटमेंट 3 सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है और सोशल मूवमेंट हैज बीन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग इन इंडिया, ये आरटीआई एक्ट से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है। मजदूर किसान शक्ति संगठन उसने आरटीआई की डिमांड जो है सबसे पहले की थी और लागू भी हुआ था। हम लोग देख लेंगे अभी मजदूर किसान शक्ति संगठन के बारे में। नेशनल सोशल अश्योरेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड फ्लोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड। सो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मजदूर किसान शक्ति संगठन की बात करें तो इसके फाउंडर जो है अरुणा रॉय हैं
और ये फाउंडेड जो है 1 मई 1990 को हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो राजस्थान में ही है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइन जो है वो 26 अक्टूबर 1947 को किया गया था, और ये लागू जो है 27 अक्टूबर 1947 से हो गया था, और महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन उस समय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके बीच में ये हुआ था। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन विच एस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क फॉर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड 17 नवंबर 1955 एंड केम इन टू इफेक्ट 26 जनवरी 1957। ये जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है। 2019 से पहले जो चीज़ें चल रही थी कश्मीर में आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंग, तो ये सब बातें हुई थी। यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट जो है, ये कैसी वियर ने कहा था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी करना है, महाराजा हरि सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड, ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो सबसे पहले तो ये हो गया, फिर दूसरा ये होगा, तीसरा में ये होगा कि सॉरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर को दिया गया कि नहीं, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और फाइनली ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर में भी जो इन्फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन इनका, ये 57 में हुआ था, 26 जनवरी 1957 में, इसलिए इसका क्रोनोलॉजी जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज, ये स्टेटमेंट सही है। और द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और गार्डियन होने के ही चलते द सुप्रीम कोर्ट इंडिया हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल पंचायती राज डे जो है हम लोग 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को जो इन्फोर्स्ड है 74th अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, इसे इन्फोर्स जो है पंचायती राज के तौर पर 24 अप्रैल 1993 को किया गया था, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल वाज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, सो आर्टिकल 43A। What is the legal nature of preamble? It is not enforceable. ये enforceable नहीं है। Which of the following is correct about the heading of the article 162 of the Constitution of India? So extension of executive power of a state. Temple also known as Khajuraho of Vidarbha. तो ये मार्कंडेश्वर टेम्पल को खजुराहो ऑफ विदर्भ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्जॉटिक टाइप की जो स्कल्पचर्स हैं वो देखने को मिलती है विदर्भ में भी, क्योंकि जो खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के जो साइट है वहाँ पर एक्जोटिक स्कल्पचर्स देखने को मिलती हैं, उसी तरह से विदर्भ का जो मार्कंडेश्वर जो टेम्पल है यहाँ पर हमें मिलती है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिकेन्स, ये करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अक्टूबर 2019 इंडिया अनाउंस्ड, सेरा लियोन है ये, कर्नाटका इसका सही आंसर है। यहाँ पर बुकर प्राइज के बारे में पूछा गया है, तो बुकर प्राइज जो अभी रिसेंट है उसको हमें देख लेना होगा, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बैम्बू आर्ट इसको कहते हैं। 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट इन वर्ल्ड ये हो गया है, सिक्किम जो है 2016 में हुआ था, तो अब ये एक तरह का मतलब कि जीके का क्वेश्चन हो गया कि कब सिक्किम जो है ऑर्गेनिक स्टेट के तौर पर डिक्लेयर हुआ था, तो 2016 में ही हो गया था। शॉर्टपुट सही आंसर है इसका, दीपा मलिक न्यूयॉर्क। यूज ऑफ पॉलिस्ड्राइज्ड इन ह्यूमन डाइट कॉजेज द फॉलोइंग डिजीज, सो बेरी बेरी हो जाता है, नॉट करेक्टली मैच, विटामिन B2 जो है ये गोड लिवर ऑयल से नहीं मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, यस ये सही है, बॉडी के द्वारा सिंथेसाइज्ड जो ये है विटामिन है वो विटामिन डी है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारा बॉडी जो है वो खुद विटामिन डी बना लेता है। रीजन क्या कहा गया है रीजन में कि ह्यूमन ऑर्गन्स सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नहीं ये भी इसेंशियल यदि हमारा बॉडी कर ही लेता सिंथेसाइज तब तो फिर हमें कोई बीमारी ही नहीं होती। केवल स्टेटमेंट 1 सही है और रीजन गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मैच करना है, केबलर जो है एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है, टेक्सोल जो है ये एंटी कैंसर ड्रग है, जिंक फॉस्फाइड जो है ये रोडेंटीसाइड है, और नाइट्रोसेलुलोज जो है ये एक्सप्लोसिव है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा। अ सिंपल ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेज डिसअपीयर आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर लाइक
कैंफर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस, द फिनोमिना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जो है डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं हो पाता है, जो मिडिल वाला है उसे हम लोग सब्लिमेशन करते हैं सॉलिड टू डायरेक्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 90, द फिनोमिना यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, जो है TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, दे आर बायो कैटलिस्ट और दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, मदर मिल्क में आयरन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 93, जो है अरेंज फ्लोइंग सब्सटेंसेस इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर, सबसे पहले फ्लोरीन बना था, तो ये थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चंस है, इस तरह के कुछ अतरंगी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। बिब्लियोमेट्री के बारे में पूछा गया है, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल से रिलेटेड है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद अल्बिडो, तो ये रिफ्लेक्टिंग पावर से रिलेटेड है कि जब सन का लाइट जो है वो लैंड पर पड़ता है तो डिफरेंट टाइप्स के लैंड पर पड़ते हैं, तो मान लीजिए कि ये अर्थ सरफेस है, जो डिफरेंट टाइप्स के अर्थ सरफेस हो सकते हैं, मान लीजिए कि कहीं नदी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं ब्लैक है, कहीं पर आइस वाइट है और यहाँ पर सन है, तो जो सन से लाइट आता है और जो रिफ्लेक्ट करता है, तो रिफ्लेक्शन की पावर जो है वही जो है वो अल्बिडो कहलाती है। सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग जो है वो आइस से होता है, यदि आइस पर कोई भी चीज़ पड़ती है, लाइट जब पड़ती है, तो ये 90% जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए सन बर्न की जो घटनाएं हैं वो ठंडे प्रदेशों में हमें देखने को मिलती है। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि वहां पर पानी आइस में जम जाती है, तो आइस जमने से क्या होता है कि वहां पर सन की रिफ्लेक्टिंग ज़्यादा होती है, जिससे आँख खराब हो सकता है, जो शरीर है वो जल सकता है लोगों का, तो अल्बिडो से रिलेटेड ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेटा जो है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, सम्मेलन 1997 में हुआ था ये, और लागू जो है 2005 में क्वेटो प्रोटोकॉल हुआ है। क्वेटो जो है जापान का एक शहर है। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता करना है, दोनों स्टेटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉट करेक्टली मैच जो है, क्वेटो प्रोटोकॉल सेव वाटर से नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन से है, इसलिए ये गलत स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अदर जो है वो मैच कर रहे हैं। सर्सन रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पेसिस ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, यस ये सही है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में बटरफ्लाई पाई जाएंगी, क्योंकि यहां पर डाइवर्सिटी काफी होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। बटरफ्लाई कैन नॉट टॉलरेट लो टेम्परेचर, ये भी सही है, और इसीलिए वो टेम्परेचर लो टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकती है, इसीलिए वो ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पर पाई जाती है, तो स्टेटमेंट ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक्सप्लेन भी कर रहा ए को। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, वो डिक्रीज कर जाता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। स्मोक इज एसेंशियली कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, द ग्लोबल 500 जो है ये इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। ब्लैक होल इज अ कोलैप्स ऑफ स्टार, ये इसका सही आंसर है। द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज वेस्टर्न घाट, ये जो अपना वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है ये वेस्टर्न घाट है, जो सबसे ज़्यादा डाइवर्स है। नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, नीति आयोग के द्वारा ये किया जा रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अरेंज द फ्लोइंग कमिटी फॉर्म फॉर ए स्मॉल स्केल सेक्टर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन सेलेक्ट, तो ये जितनी सारी कमेटी है लघु उद्योग से रिलेटेड है और इनका क्रोनोलॉजी हमें करना है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। कार्वे जो कमेटी है 1995 में आई थी, नायक कमेटी 1991 में, अबीद हुसैन कमेटी जो है वो 97 में आई थी, और एसएस कोहली जो है ये 2000 में आई थी, तो इस तरह से जब हम इसको मैच करेंगे तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने लगा दिया है, प्रोग्राम और हमें लंच ईयर इसका मैच करना है। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ब्लाइंडनेस जो है ये 1976 में आया था, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है 1975 में आया था। ये नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम जो है 1983 में आया था, और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एक इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, जो हमारे प्लानिंग से रिलेटेड है, फाइव ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइव ईयर प्लान से दो तीन क्वेश्चन हमें देखने को हर एक साल मिलते हैं इकोनॉमिक वाले जो पोर्शन होते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 108, सर्सन रीजन, द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉलिंग शार्पली इन द रिसेंट ईयर फॉर फीमेल्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है, और रीजन में कहा गया है कि द डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द इंप्रूव फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर इज रिलेटिवली हाई, ये काम करने वाला जनसंख्या है उम्र, तो ये अभी काफ़ी हाई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
will target water availability for all and its permanent management up to 2030. तो water availability for all किस SDG में कहा गया है? तो SDG 6 में कहा गया है। जो टोटल 17 SDG हैं, 1 से लेकर 17 तक के जितने सारे बात उसमें कहे गए हैं, सबको हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये questions SDG से हमें देखने को मिलती हैं। और ये मैंने लक्ष्य यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। लक्ष्य 1 में गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, भुखमरी की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य जीवन स्तर है। लक्ष्य 3 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और 6 में जो है साफ पानी और स्वच्छता। तो इस तरह से 17 जो गोल्स हैं यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। लिमिट टू ग्रोथ जो है क्लब ऑफ रोम के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 112, द नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, समान स्थिति बेरोजगारी से कहते हैं। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है। कंपनीज एक 2014 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी CSR, नहीं, और ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज डेवलप्ड बाई मॉरिस डी मॉरिस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। 100 रैंक था 2017 में, अभी यदि 2023 की हम लोग बात करें तो 111 रैंक हो गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो नए वाले को हमें याद करना होगा, इंडेक्स जो भी इंडेक्स है इंपॉर्टेंट उसका हमें लिस्ट पता होना चाहिए। मैच करना है वेजिटेशन टाइप और रीजन। मॉकिस जो है ये मेडिट्रियन सी में पाया जाता है, जो कोस्टल रीजन है। फेनोप्स जो है या फिम्स जो है ये साउथ अफ्रीका में है। चैपरेल जो है ये कैलिफोर्निया में हमें दिखेगा, और मेटोरेल जो है ये चिल्ली में हमें दिखेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, कैपिटल मैच करना है। उज्बेकिस्तान ताशकंद है, तजिकिस्तान दुशानबे है, किर्गिस्तान बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान अजगाबाद है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। यहां पर भी नेचुरल वेजिटेशन है और एक तरफ रीजन है। जो इपीफाइट्स हैं ये इक्विटोरियल रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। बबूल या अकाशिया जो है ये सहारा में दिखेगा हमें। जो बायोबा जो है ये बायोबा यहाँ पर मेडागास्कर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, जिसका कि तना जो होता है बहुत विशाल टाइप का दिखता है और इसके पत्ते जो है बहुत कम होते हैं। तो बायोबा जो है ये हमें सबाना में दिख जाएगा, और देवदार जो है यह मेडिट्रियन के साइड में हमें दिखेगा। वैसे सबाना इसका सही आंसर नहीं है, लेकिन बायोबा जो है ये सबाना में दिखेगा अफ्रीका में, इसलिए ये है। और आकाशिया तो जो मरुभूमि है वहां पर हमें देखने को मिलता है सहारा। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड ट्राइब्स और प्लेस, पिग्मी कांगो बेसिन में मिलते हैं, अंगामी जो है नागालैंड में है, इनू जो है जापान में है, किर्गिज जो है ये सूडान में नहीं, किर्गिज जो है सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है वहां पर दिखेंगे हमें, और खासकर जो किर्गिस्तान है वहां पर हमें किर्गिज पीपल दिखेंगे। इन्हीं के नाम पर किर्गिज जो ट्राइब्स है वो हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 120, ये सर्सन रीजन से रिलेटेड है। इंडियन ओशन हैज बिकम द मिलिट्री बेस ऑफ मेनी बिग पावर्स, यस ये सही है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल बेनिफिट इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्री, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो आर जो है, अब मान लीजिए कि जियो पॉलिटिकल बेनिफिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मिलिट्री पावर कर देंगे, ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड जो हिल्स हैं उनको वेस्ट से ईस्ट के तरफ पर रखना है। तो सबसे पहले सातपुरा आएगा, फिर महादेव, फिर महाकाल, और छोटा नागपुर फाइनली आएगा। क्वेश्चन नंबर 122, सर्सन रीजन ही क्वेश्चन है। द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन लाइज इन हिमालयन रीजन इन इंडिया, ये सही है, जोन 5 है वो। देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन इन हिमालय, ये भी स्टेटमेंट सही है, और इसी के चलते यहाँ पर जो है जोन 5 आता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इम्फाल बेसिन जो है ये एक तरह का लेक्यूस्ट्रियन प्लेन के तौर पर हमें देखने को मिलता है। जो लेक से प्लेन बने होते हैं उसे लेक्यूस्ट्रियन प्लेन कहते हैं, जो कि मणिपुर और जम्मू कश्मीर के जो प्लेन्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, तो दामोदर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल रीजन इज नॉन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स, तो सवाना में जो है बड़े बड़े जो पशु हैं वहां पर हमें देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हम इस लैंड को लैंड ऑफ बिग गेम्स कहते हैं, क्योंकि यहां पर गेम्स का मतलब यहां पर लड़ाई होती है उनमें, इसलिए यहां पर इस तरह से कहा गया है। कश्मीर वैली ऑफ इंडिया एंड मणिपुर प्लेन ऑफ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विस्ट्रियन प्लेन। लिक्विस्ट्रियन प्लेन फॉर्म कैसे होते हैं? ये लेक के लॉसेस से होते हैं। लेक पहले था वहां पर, और वहां पर क्या हुआ, पानी उसका खत्म हो गया, और धीरे धीरे जो सॉइल वहां पर बनते गए तो उससे वो प्लेन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, विथ रेफरेंस टू द हिमालयन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट,
तीन स्टेटमेंट दिए गए, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। द सेडिमेंट्री रॉक ऑफ द ग्रेटर हिमालयस वर फॉसिलेस, यस ये सही है। मरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑफ लेसर हिमालयस, लेसर हिमालयस में है फॉसिल्स। और रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालयस, ये तीनों सही है। ये सर्चन रीजन क्वेश्चन है। अकबर लाइक शेरनाथ, ये शेरशाह ट्राइड टू रेगुलेट द करेंसी ऑफ स्टेट, यस ये स्टेटमेंट सही है। एज इन शेरशाह करेंसी द चीफ कॉपर क्वाइन ऑफ अकबर्स टाइम वॉज द दाम, ये भी सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीजन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है। क्रोनोलॉजी हमें यहाँ पर करना है, बैटल ऑफ सरनाल, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ धर्मौत, बैटल ऑफ जाजू। बैटल ऑफ बिलग्राम जो है ये 1540 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जहां पर कि हुमायूं फाइनली हार गया था और यहीं से शेरशाह जो है वो शेरशाह सूरी बन जाते हैं। तो सबसे पहले बैटल बिलग्राम हो जाएगा, ये सही मैचिंग जो है ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, विथ रेफरेंस टू हठ योग विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है कि हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, दोनों स्टेटमेंट सही है इसका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम से जो रिलेटेड है वो कौन सा। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम, सो करेक्ट आंसर इज रिवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिट इन सुल्तान्स अकाउंट, ये स्टेटमेंट गलत है। 131 में नॉट करेक्टली मैच्ड हमें बुक्स और राइटर मिलाना है, इबन बतूता जो है तुगलक नामा नहीं लिखा था, इबन बतूता जो है ये रिहला जो है या रेहला इसको कहते हैं, रेहला पुस्तक को लिखा था इबन बतूता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये 1872 में पास हो गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मूवमेंट और ईयर हमें करना है, संथाल मूवमेंट जो है 1855-56 के बीच में हुआ था, सिद्धू कानू चांद और भैरव जो थे चार भाई वो संथाल मूवमेंट से रिलेटेड है। पबना मूवमेंट जो है ये 1873-85 में हुआ था, एका मूवमेंट जो है ये 1922 में हुआ था, और ताना भगत जो है ये 1914 में हुआ था, सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इसमें पूछा गया है, कम्युनल अवार्ड जो है ये 33 में नहीं 1932 में आया था, जस्ट इससे पहले एक क्रोनोलॉजी भी हमें मिलाना था कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड, यहाँ पर फिर से क्रोनोलॉजी आ गया। तो क्रोनोलॉजी और मैचिंग जो है हिस्ट्री हो या जियोग्राफी के क्वेश्चंस हो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो है 1927 में होती है, 1927 के सितंबर में इसकी अपॉइंटमेंट होती है। ये भारत जो है 3 फरवरी 1928 को आता है और पूरे भारत में ये भ्रमण करता है, हर एक जगह जाता है, और फाइनली ये 1930 में अपना रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट दिया गया है तो ये 1927 होगा। जालियांवाला बाग मशक्कर जो है 1913 अप्रैल को होता है, महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च को स्टार्ट होता है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये होता है। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता जो है इसको देखना होगा, इसका क्रोनोलॉजी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रायल ऑफ INA जो है वो रेड फोर्ट दिल्ली में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137, एसर्सन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द पीरियड ऑफ वारेन हेस्टिंग्स एंड ही मॉडेस्टली डिक्लाइंड द ऑफर ऑफ प्रेसिडेंसी दैट लर्न्ड बॉडी इन फेवर ऑफ सर विलियम जोन्स, ये स्टेटमेंट सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर एंड एन ऑर्डेंट ओरिएंटलिस्ट हु यूज्ड टू इनकरेज द स्टडी ऑफ संस्कृत पर्शियन एंड अरबिक, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन आर जो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, नेशनल कैलेंडर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों इसमें गलत है, स्टेटमेंट ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम ऑडिटिंग द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, टास्क ओनली रिमेंड कॉन्फाइंड टू ऑडिटिंग द गवर्नमेंट अकाउंट्स, सो 1976 इसका सही आंसर है। प्लांट डेवलपमेंट को कौन अपोज किया था, महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 141, इसमें बोथ जो है एसर्शन और रीजन सही है लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन टर्म माइनॉरिटीज, ये नहीं डिफाइन करता है। फेडरल सिस्टम इन इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीट्स फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेसेशंस विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट गलत है।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा. नॉट करेक्टली मैच इसमें पूछा गया है. तो एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये फोर्थ शेड्यूल में है, न कि सेकेंड शेड्यूल में है, तो ये गलत हो जाएगा. सही हो गया इलेवेंथ शेड्यूल जिसमें कि पंचायती राज के बारे में कहा गया है, उसमें 29 सब्जेक्ट या 29 आइटम्स हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट करना है. ये 1977 में आया था और इट इज हेडेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं. ऑप्शन सी केवल करेक्ट आंसर है. सिक्स शेड्यूल जो है इसमें त्रिपुरा नहीं, इसमें कौन होगा तो त्रिपुरा होगा. चार स्टेट के बारे में सिक्स शेड्यूल में कहा गया है और वो स्टेट कौन कौन से हैं तो यहाँ पर मैप बनाकर, ये बांग्लादेश है. बांग्लादेश से रिलेटेड जो है सबसे पहले मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय त्रिपुरा और इससे पहले ये असम और ये जो है मिजोरम. तो ये चार स्टेट जो हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर करते हैं, वेस्ट बंगाल को छोड़कर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हैं इसके पार्ट हैं शेड्यूल सिक्स के. विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, शो प्रोहिबिशन जो है टू बी सर्टिफाइड, ये इससे नहीं मैच कर रहा. मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में है और बजट जो है जिसको भी फाइनेंशियल बिल कहते हैं आर्टिकल 112 में है. क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनोग्रेटेड बाई पीएम, ये करंट से रिलेटेड है. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है और ये बाकू इसका सही आंसर हो जाएगा. इस तरह से हम लोगों ने 2019 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा. हमने डी जो सेट है उसका क्वेश्चन पेपर देखा था और ये ऑफिशियल फाइनल आंसर की के द्वारा जो डी है, ये बुकलेट डी है, बुकलेट डी का यहाँ पर आंसर की है जो कि हम लोगों ने फाइनल आंसर की के साथ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया.